स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज यानी 28 अगस्त को कस्बा खैर के गुरुकुल पब्लिक स्कूल के मैदान पर जनसभा होगी। बता दें कि सीएम यहां पर अलीगढ़ जिले की 675 करोड़ की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के साथ ही रोजगार मेले में 5000 युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर की घटना के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज यानी 28 अगस्त को अपराह्न 4:30 बजे नब्बान में होगी। बता दें कि ये जानकारी राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका ने बीते सोमवार को दी। राव आईएएस स्टडी सर्कल की बिल्डिंग में दोबारा कोचिंग संस्थान शुरू करने की मांग को लेकर राव रेवेन्यू कोर्ट आज यानी 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें बिल्डिंग मालिक के बेटे समेत 4 रिश्तेदार हैं। पेरिस ओलंपिक गेम्स आज यानी 28 अगस्त को 8 सितंबर तक पेरिस में होने हैं। बता दें कि 28 अगस्त को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक गेम्स की तरह पैरालंपिक गेम्स का भी उद्घाटन समारोह स्टेडियम से बाहर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए आज यानी 28 अगस्त को स्पॉट राउंड 4 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बता दें कि एप्लीकेशन प्रोसेस आधिकारिक वेबसाइट पर चल रहा है, जो आज समाप्त हो जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एम्स बठिंडा में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 28 अगस्त है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑफलाइन फॉर्म भी जमा करना होगा। सीकर में बिजली निगम के सीएसटी फर्स्ट कार्यालय में पीएम सूर्य घर बिजली योजना को लेकर आज यानी 28 अगस्त को शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि शिविर में मौके पर ही उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभान्वित किया जाएगा। सीहोर में आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ने आयुष नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aacc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके तहत पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। ब्लॉक दुर्गू कोंदल में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन आज यानी 28 अगस्त को सामुदायिक भवन में किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांकेर विधायक आशा राम नेताम होंगे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पीलम नरेटी करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दोनों राज्यों के अलावा गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था। आज ही के दिन सन 1667 में आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन हुआ था। आज ही के दिन सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1929 में प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।